कैसे हैं आप सभी लोग? गुड मॉर्निंग बोलें, गुड इवनिंग बोलें, गुड नाइट बोलें, कुछ समझ से बाहर है। तो एक बार आप सारे लोग इधर उधर कुछ शेयर कर दें। रात के 3 बज रहे हैं, एमरजेंसी लाइव था। रीज़न क्या है आने का बताई देता हूँ आपको। कुछ टाइटल वगैरह से भी पता लग गया होगा, निवी क्या कर दिया है, निवी ने क्या कर दिया है। तो एक दो बार इधर उधर व्हाट्सएप ग्रुप हैं जो भी हैं आपके, सब जगह शेयर कर दें जल्दी जल्दी। कमेंट्स आप लोगों के नहीं दिख रहे हैं, मे बी फोन पर कुछ प्रॉब्लम है शायद। कमेंट इधर दिखते ही नहीं है शायद। चलिए, तो कमेंट्स अगर नहीं आ पा रहे होंगे तो मैं दोबारा इसका कमेंट्स वगैरह का जो भी ऑप्शन होगा मैं उसको ऑन कर दूंगा। एक तो इमरजेंसी लाइव आने का थोड़ा सा पर्पज़ ये था कि रात के 3 बज गए हैं और नेवी का नोटिफिकेशन आया है। बच्चों ने कॉल कर 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 फ़ोन पास में ही रखा हुआ था, कॉल कर 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 क्योंकि पहले से ही परेशान थे बच्चे की जी क्या होना है क्या नहीं होना, नेवी का लेके कुछ क्लियर नहीं होना था। अभी भी नोटिफिकेशन आया नेवी का और नेवी ने बोल दिया है कि वो 10,000 बच्चे ही लेगा। जिस चीज़ का डर था, जिस चीज़ को हम मना कर रहे थे, कि जिसके लिए भी वीडियो भी बनाई थी आज, और आज क्या मतलब 15 अप्रैल से नोटिफिकेशन नेवी की वैकेंसीज की वीडियो बनाई, 16 को वैकेंसीज आई। तो वीडियोज़ तो बनाए जा रहे हैं, बनाए जा रहे हैं, बनाए जा रहे हैं, लेकिन हुआ ये कि नेवी की तरफ से नोटिस आया कि सिर्फ 10,000 बच्चे ही हमारा एग्ज़ाम को देंगे, जो उनकी बात हुई कि 10,000 में से वो 2,500 को सिलेक्टेड कर लेंगे। तो गलत, बहुत गलत है, हर तरफ से गलत है। इसका पूर्ण हम लोग विरोध करते हैं। आप चाहे पहले कैसे भी एग्ज़ाम लेते हो, हमें नहीं फ़र्क पड़ता था, लेकिन अभी आपने बच्चों को आदत डाली है कि एवरेज बच्चा भी जिसके 60% है, 65% है, 70% है, 78% है, वो पार्टिसिपेट कर सकता है हमारे इस पेपर में, और पार्टिसिपेट उसने किया भी और सिलेक्शन भी लेके गया। मैं अपने पुराने जितने भी स्टूडेंट्स की बात करूं, चाहे वो ऑफलाइन के हों या हमारे ऑनलाइन के स्टूडेंट हों, हमारी एकेडमी से पढ़कर गए हों या हमारे ऑनलाइन स्टूडेंट हो, उन सभी बच्चों में एक बात कॉमन थी कि किसी के इतने मार्क्स थे नहीं, और वो अभी सर्व कर रहे हैं इंडियन नेवी को, और एयरफोर्स की बात करें वहाँ पर भी। यानी हमारा शिक्षा का सिस्टम ये कहता है कि हमारे बच्चों में जब अकल आ जाए तब बढ़िया है, यानी जब जागो तब सवेरा। स्कूल टाइम पर वो लोग इतने सीरियस नहीं थे, उनको बताया चला था कि नेवी इस तरीके से पेपर लेता है कि भैया सभी को अलाउ कर देता, तो वो उसी तरीके से अपनी परसेंटेज को मेंटेन करके जैसे भी कह रहे थे वो लेके चल रहे थे। ठीक है सर, अब हुआ ये कि उनके एग्जाम आ चुके हैं, उनके रिजल्ट आ चुके हैं, और ये 1.5 साल का गैप भी आ गया। उसके बाद नेवी ने बोला है कि नहीं 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 ऐसा नहीं है, हम पेपर लेंगे तो सही, लेकिन सिर्फ उन बच्चों का लेंगे जो हमारी मेरिट में आएंगे। तो यहाँ से देखो कई सारी चीज़ें क्या निकल के आती हैं कि ऑलमोस्ट 1.5 साल के टाइम पीरियड में एस्पिरेंट्स बड़े होंगे, घटेंगे तो नहीं, क्योंकि नए भी आ गए होंगे, पुराने तो इंतजार कर ही रहे। एक अमाउंट रखा गया है कि इतना आपको यूज करना है, अगर इतना आपको फॉर्म फिलअप करने के लिए अमाउंट चाहिए चाहिए, तो फॉर्म तो यार सारे के सारे फिलअप करेंगे। उस फॉर्म फिलअप अमाउंट से जो कलेक्शन जनरेट होगा उसमें से सिर्फ 10,000 बच्चे लिए जाएंगे। तो ये भी समझ से बाहर बात है कि कहना क्या चाह रहा है नेवी की, फॉर्म आप सबसे भरवा रहे हैं और आप 10,000 बच्चों की जो है कि सिर्फ फुलफिल करेंगे। तो ये भी एक सीधा सीधा, या तो फॉर्म को आपको फ्री करना चाहिए था, और हम इसके सबके पक्ष में है ही नहीं, हम इस पक्ष में कि भैया सभी बच्चों को एग्जाम दिलवाइए, हम इस पक्ष में सिर्फ सभी बच्चों को एग्जाम दिलवाएं, क्योंकि सभी इक्वली भागीदार हैं। हमारा डिफेंस की नौकरी है, हमें मेंटली स्ट्रांग भी बंदा चाहिए, फिजिकली स्ट्रांग भी बंदा चाहिए। तो ऐसा नहीं कि सिर्फ 90% वाले, 85% वाले या फिर 90+ परसेंटेज वाले ही बच्चे इस एग्जाम के लिए एप्लीकेबल हैं, सारे के सारे बच्चे हकदार हैं इसके, जो जिन्होंने भी तैयारी करी थी इस टाइम पीरियड के दौरान। और हमारा एजुकेशन सिस्टम गवा रहा है, चाहे बड़े बड़े IAS ले लीजिए, IPS ले लीजिए, आप जब वहां पर मेजोरिटी निकाल के देखेंगे, मेजोरिटी स्टूडेंट वो नहीं है जिसने स्कूल में टॉप किया था, ये किया था, वो किया था, वो स्टूडेंट आज एवरेज लाइफ जी रहा है, वो कहीं MNC में काम कर रहा है, कहीं प्राइवेट नौकरी कर रहा है, जिसने चाहे स्कूल में अपने लाइफ पीरियड, अपने लाइफ टाइम में जो भी अपने स्कूल के टाइम दौरान अपनी परसेंटेज को मेंटेन ना किया हो, लेकिन उसके बाद जब वो जाग चुका है तो उसे पता है कि उसको अपनी लाइफ में क्या करना है, और वो उस स्टूडेंट से बहुत ज्यादा सीरियस है जो स्कूल में शायद 90s या 80s लेके आया था।
यानी मेरी कहने की बात यह है कि मेरे पास कुछ स्टूडेंट्स का, मैं खुद का एक्सपीरियंस है, मेरे पास कुछ स्टूडेंट थे जो मेरी ऑफलाइन कोचिंग से सिलेक्टेड थे, तो जब उनके मैं परसेंटेज की बात करता हूँ, उनके फाइनल स्कोर की बात करता हूँ, तो उनकी परसेंटेज बहुत कम थी, बहुत कम थी उनकी परसेंटेज, ठीक है, 50, 60, 70 इतनी थी। और जब उनके फाइनल स्कोर की बात करते हैं, उनके फाइनल स्कोर बहुत ज़्यादा थे, शायद उन बच्चों के जिनके 90% उतना भी ना हो, 62 नंबर आउट ऑफ 70। कैन यू इमेजिन कि कितना हार्डवर्क लगा होगा बच्चों को करने में। तो आप इस शैली पर कहीं भी सिलेक्शन नहीं ले सकती, नहीं भी, ये सच बात है। तो आप प्लीज 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 सारे बच्चों से अनुरोध है कि इस चीज को शेयर करना, कल आके सारे टीचर वीडियो बनाएंगे, ट्रेंडिंग तो करना ही पड़ेगा, ट्विटर पर ट्रेंड करना पड़ेगा, यूट्यूब पर वीडियो जानी पड़ेगी, तो पॉसिबल है, ठीक है। और हैशटैग करके चलाएंगे, हैशटैग ऐसा चलाएंगे ट्विटर पर कि जो सबके लिए इजी हो, क्योंकि इंग्लिश और हिंदी दोनों में जब हम कुछ हम ट्वीट कर रहे हैं, तो वो ऐसा ट्विटर पे नहीं होना चाहिए कि हैशटैग की वो स्पेलिंग ही गलत कर रहे हो। तो हम एक ट्विटर पे जो हैशटैग चलाएंगे, वो पहली बात तो इंग्लिश में होगा, ठीक है। मेरी एक राय है कि हैशटैग नेवी गिव चांस टू ऑल, ठीक है, सिर्फ गिव की स्पेलिंग भी पता है सबको, चांस की भी पता है, टू और ऑल, गिव चांस टू ऑल, हैशटैग नेवी। बाकी सारे टीचर्स जो यूट्यूब पर हैं, जो भी हैं, सबको पता लग जाएगा, कल तक सब लाइव आ जाएंगे। ये तो सिर्फ इमरजेंसी लाइव आने का एक पर्पज था कि कॉल ही इतना बजे जा रहा था, क्योंकि थोड़ा सा घर पर भी थोड़ी बहुत फैमिली में पेरेंट्स की तबीयत ठीक नहीं है, तो उस वजह से फ़ोन ऑन रखना पड़ता है, व्हाट्सएप ऑफ रहता है, तो व्हाट्सएप पर नहीं देखा, लेकिन कॉल ही कॉल बजने लगा था। और आज भी जब मैंने वीडियो बनाया था वो वाला, उसके बाद कुछ बच्चों के ऐसे मैसेजेस आए थे जो बहुत बहुत डरने वाले, डराने वाले वीडियोज मैसेजेस थे उनके यार, कि सुसाइड कर लें, क्या कर लें, 1.5 साल हो गया। तो यार पहली चीज़ की हम ये सब जो कर रहे हैं देश के अंदर, पहले इस पर भी बात कर लें कि कोई बाहर का लोग हमको देखेगा कि यार इंडिया में चल क्या रहा है ना, यहाँ पे किसानों की बात मानी जाती। चलो वो मुझे नहीं पता, मतलब मैं जिसे एंड पर मान चाहता हूँ कि यार कितने बड़े लेवल पे एक आंदोलन चल रहा था, उसको चाहे ट्वीट करो, ये करो, चाहे रिहाना से बुलवाओ, कुछ भी कराओ, कुछ नहीं निकल के आया उसका। SSC CGL के लिए बड़े डिमांड पर करी गई बातें, मतलब अगर हमें कोई बात कहनी हो, बतानी हो, जिस बात को सही है, अगर एक बात को कोई 6 लाख बच्चा, 10 लाख बच्चा, या फिर इतने बड़े लोग ट्वीट कर रहे हैं, तो क्या वो बात मतलब गलत होगी? क्या ये देश के हित में नहीं होगी? परेशानियां हैं तभी तो लोग ट्वीट कर रहे हैं ना, परेशानियां हैं तभी लोग वीडियोस बना रहे हैं, परेशानियां हैं तभी लोग एक साथ आके उस चीज को उठा रहे हैं। मतलब बाहर का कोई बंदा देखता होगा, उनको बोल रहा होगा कि यार ये कर क्या रहे हैं, इंडियंस आपस में नहीं निपट पाते, हमारी डेमोक्रेसी, हमारा कॉन्स्टिट्यूशन इतना बड़ा कॉन्स्टिट्यूशन है, और इन सब के बावजूद हमारे उतने ही झोल हैं सिस्टम के अंदर। मतलब अब हम इस बात को, नेवी की इस बात को, जो ये उन्होंने 10,000 स्टूडेंट को अलाउ कर दिया है, इस बात को ही कैसे प्रूव किया जाए हमें खुद ही नहीं पता है। हमारी तरफ से सिर्फ एक ये कि ट्विटर कर लिया जाए, ट्विटर पे हैशटैग चला दिया जाए, शायद ये बात सॉर्ट आउट हो जाए। तो नहीं यार, मतलब समझ से बाहर चीजें कि देश में चल क्या रहा है, उधर कोरोना की अपनी लड़ाई चल रही है, बड़े बड़े नेता, बड़े बड़े लोग अपनी रैली में व्यस्त थे, अब थोड़ा सा समय निकाल कर देख रहे हैं इस कोरोना को, लॉकडाउन चाहें तो कंटिन्यू कर दीजिए, उनकी तरफ से कोई सपोर्ट नहीं है, ऑक्सीजन सिलेंडर खत्म है, इसको भी ट्रेंडिंग में ले आओ, सियासतें चल रही हैं, बात बात पर पॉलिटिक्स है, साफ साफ दिखता है सब लोगों को कि लोग मर रहे हैं, लोग जीवित हैं, किसी को भी फर्क नहीं पड़ता, जब जो भी है कि कैसे भी करके भैया अपनी सियासत कर ली जाए, अपनी राजनीति कर ली जाए जहां पर हो जाए। और इन सब के बीच में हमारा एजुकेशन सिस्टम ठप हो गया यार, ठीक है, उसके बारे में कोई बात नहीं कहें, इतना ज्यादा दुख लगता है दिल से। मैं 3:05 पे वीडियो बना रहा हूं, नींद नहीं है जीवन में, 1% नींद नहीं है जीवन में, कब है नींद कुछ नहीं पता, कहाँ है कैसे कुछ नहीं पता, सिर्फ बच्चों के लिए तब से वीडियो बना रहा हूं, 12 अप्रैल, 13 अप्रैल, 14 अप्रैल, 15 अप्रैल, आज भी एक वीडियो बनाया था कि नेवी ये सब ना करे, और आज वो हो गया। तो ऐसा नहीं होने देंगे, ऐसा आश्वासन आपको हम लोग देते हैं, सारे टीचर्स एक साथ आएंगे, और हुआ तो गलत है, बहुत गलत हुआ है, ठीक है, ऐसा नहीं करना था नेवी को कहीं से भी दूर दूर तक, लेकिन अब वो ये क्या करें भाई इस चीज़ के बारे में, वो लोग ऑफिशियली अनाउंस कर देते हैं, फिर बाकी अब 5,90,000 बच्चा इंतजार कर रहा है कि क्या वो आउट हो गया। फॉर्म तो सभी भरेंगे, फॉर्म तो 40 वाला भी भरेगा, 60 वाला भी भरेगा, 50, 60% चलो ठीक था, एक क्रिटेरिया रखना था, लेकिन यार ये 10,000 बच्चे अगर आप लोगे तो परसेंटेज हमें भी साफ साफ पता लग रहा है कि कितनी जाने वाली है। और सिलेक्शन क्या ये 22 होगा, वो भी हम बात कर लें कि 2,500 वैकेंसी 10,000 में से, मतलब ऑल इंडिया एग्जाम जिससे सिलेक्शन होगा लोगों का, जिससे नौकरियां लगेंगी,
वो 2,500 को अगर आप 10,000 से भाग करें, 4 निकल के आता है। मतलब आपने सुना है कोई पूरे इंडिया का एग्जाम जिसमें एक सीट पे सिर्फ 4 बच्चे लड़ रहे हैं? मतलब ये तो स्कूलों में होता था, सेक्शंस में, ABCD 4 सेक्शन है, ठीक है भैया, तो ओवरऑल टॉप किसने किया? यदि हम एक स्कूल की एक लिमिटेड कहीं बहुत छोटी जगह श्रिंक रह के रह गए, श्रिंक होके रह गए, कि कहना क्या चाह रहा है नेवी, समझ से बाहर है कि 10,000 में से 2,500 बच्चे यार, मतलब ये तो आप समझ रहे हो पेपर का लेवल गिरेगा और बहुत सारी चीजें नीचे डाउन जाएंगी यार कैसे, क्योंकि वो पेपर वैसा बना ही नहीं सकते। क्या पता उन 10,000 में से 1,000 बच्चे रिटर्न क्वालिफाई ना कर पाए, यानी कट ऑफ भी 5-6 5-6 रहने वाली है हर एक सब्जेक्ट की जो हम बात की जाए, या तो लेवल ही कम कर दें पेपर का। तो इन सबसे होगा क्या? इन सबसे नुकसान ही तो होगा। एजुकेशन सिस्टम सुधर रहा है या बिगड़ रहा है मुझे बताइए। आप एक ब्रिलियंट स्टूडेंट्स का डाटा लेकर, ब्रिलियंट ऑन द बेसिस ऑफ परसेंटेज जो आप लोगों ने डिसाइड किया है, वहां से डाटा लेकर आप लोग क्या कर रहे हैं कि फिर हम पेपर का लेवल डाउन कर दे रहे हैं? ये तो सरासर, मतलब मान के चलिए उन बच्चों को लग रहा होगा हमारे लिए गोल्डन चांस है, लेकिन बेटा ऐसी नौकरी का फायदा ही नहीं जहां लड़कर झगड़कर बिना संघर्ष के नौकरी मिल जाए। तो नेवी से अपील है और बहुत लोगों से अपील है, इस चीज को शेयर करना, बाकी कला के प्रॉपर वीडियोज वगैरह बनाएंगे। दुख है, बहुत दुख है, इतनी रात को वीडियो बना रहे हैं, आपको ही लग रहा होगा कि कितना परेशानी है जीवन में, बच्चों के लिए शुरू से कराए करते आएंगे, बस ये है कि नहीं पता लग रहा है इस देश का बारे में कहाँ जा रहा है। इन सब चुनौतियों से लड़ते लड़ते कहीं एजुकेशन सिस्टम बहुत पीछे रह गया है, एम्प्लॉयमेंट बहुत पीछे रह गया है, और हमारे जो 12th पास बच्चे थे इनके पास एक ही साधन है पढ़ने का, कि ये डिफेंस एक ही साधन है आगे बढ़ने का, कि ये जो पढ़कर आए 11th 12th का, उसको प्रयोग कर कर ये डिफेंस में अपने आप को अर्जित कर लें, अपने माता पिता को सिक्योर फील कराएं और जल्दी से जल्दी नौकरी ले लें। अब उसमें भी इतनी ज़्यादा सियासतें चल रही हैं, नहीं है समझ से बाहर, कलाएंगे सारे टीचर, कोई ट्विटर पर जैसे भी जो भी प्रोसीजर होगा एक साथ बात करेंगे, एक के करने से तो कुछ नहीं होगा, सभी लोगों को एक साथ आके आना पड़ेगा, एक के करने से कुछ नहीं होगा, तो कलाते हैं लाइव आप सब लोगों से बात करने जो भी निकल के आता है, और कोशिश करेंगे कि जो वादा किया था पूरा करें, कि ये पेपर सभी लोग दे पाएं, निराश ना होइए, फॉर्म भरिए सारे के सारे, ठीक है, फॉर्म के भी पैसे लिए जा रहे हैं, और उसके ऊपर से बोला जा रहा है कि भैया अगर क्या ही बोला जाए, 6 लाख एप्लीकेंट्स अगर फॉर्म को भर भी देते हैं तो देख लीजिए अपने आप में यार क्या चीज़ निकल के आ रही है, 12 करोड़ रुपए के आसपास इनका कलेक्शन हो जाना है, तो क्या ही बोला जाए, ठीक है, तो समस्या है उनसे निवारण लेंगे, देश की स्थिति खराब है, एजुकेशन बिल्कुल सिस्टम खराब है एजुकेशन का, वैकेंसीज की बोली जाए तो देखो वैकेंसीज आती हैं तो ऐसे वैकेंसीज आती हैं कि पूरा का पूरा हुजूम ही रह गया इसमें से पेपर ना दे पाने लायक, 5,90,000 बच्चा सिर्फ परेशान होकर पेपर देगा और एक सीट पे 4 बच्चा लड़ रहा है, ये ऑल इंडिया एग्जाम है बताइए, मतलब कहीं से भी थोड़ा बहुत सोचें तो हम लोग यार, पहले जैसे होता था हमें बात ही नहीं करनी उस बारे में, आपने धारणाएं बदली, बच्चों ने अपनी साइकोलॉजी बदली, वो कर रहे हैं मेहनत, वो उस परसेंटेज पे लड़ लेंगे, कर लेंगे मेहनत यार, वो नहीं है उनको दिक्कत, उनमें से शेर हैं वो जो 90% वाला है, और आप 60% वाले को भिड़ा दो, अभी बहुत आगे 60% वाला, उसकी तैयारी बहुत खतरनाक हो गई है इस 1.5 साल के अंदर, आप उसके पेशेंस के बारे में सोचिए जितना वो करके बैठा है 1.5 साल से यार, तो हमें बहुत खतरनाक खतरनाक कॉल्स आते हैं जिनसे हम डर जाते हैं, हम परेशान हो जाते हैं बच्चों को लेकर, वो बहुत बहुत चिंतित हैं, बहुत परेशान हैं, तो नहीं होने देंगे ऐसा, कोशिश है अपनी तरफ से जितना कर पाएंगे, सरकार से गुहार करेंगे, नेवी से गुहार करेंगे, करमवीर जी से गुहार करेंगे कि नहीं करिए, सभी बच्चों को होने दीजिए, समय और ले लीजिए भैया, हम टीचर अपने आप को और परेशान कर लेंगे, ठीक है, हमारा क्या है, कोरोना में नुकसान ही नुकसान हुआ है पूरी टीचिंग्स का, पूरी कोचिंग्स का, हम थोड़ा और नुकसान बियर करने को तैयार हैं, लेकिन आप इस पेपर को अभी थोड़ा सा शांत रखिए और सभी बच्चों को इक्वली राइट दे के पेपर देने दीजिए, आपको समय लगेगा पेपर लेने में, कोई बात नहीं, हम इस पक्ष में भी हैं, बट सभी को पेपर देने दीजिए। तो ये इमरजेंसी लाइव आने का पर्पज़ था कि नेवी की नोटिफिकेशन आ गई है और उन्होंने 10,000 बच्चे ही बोले हैं कि अलाउ हैं, और 500 और 2,000 जो पोस्ट है उनकी डबल एओ एसएसआर के लिए, तो है यार दिक्कत है, अब क्या ही नींद आने वाली है, सुबह आता हूँ लाइव जितना जल्दी हो पाएगा, लाइव आऊँगा, प्रॉपर वीडियो बनाएंगे सारे टीचरों से एक दूसरे से बात करके, क्योंकि ये एज रिलैक्सेशन से भी बड़ा मुद्दा हो गया, क्योंकि ये तो क्या पता परमानेंट ही अब चल जाए, क्या पता नेवी आगे से वैकेंसीज ही ऐसे निकाले, तो ये भी अपने आप में थोड़ा सा दिक्कत हो जाएगा, तो ये कोई तरीके की लड़ाई नहीं है या कुछ नहीं है, सिर्फ एक अपील है कि हम बहुत बहुत कमज़ोर महसूस कर रहे हैं, सारे टीचर्स बहुत कमज़ोर महसूस कर रहे हैं, क्योंकि बच्चा हमसे क्या बोलता है कैसे बोलता है हम नहीं सुन पाते यार, बहुत बहुत दिक्कत होती है।
बहुत दिक्कत होती है, बहुत परेशानी होती है। और इन सब में हमारा जो एम्प्लॉयमेंट है, हमारा एजुकेशन सिस्टम है, उसके लिए चुनौती है कि एक सीट पर 4 बच्चे लड़ रहे हैं, जबकि लड़ाई 6 लाख बच्चों की होनी चाहिए थी उन 2,500 सीटों पर। तो सबको इक्वल राइट दें, बाद में सब लड़े, अपना भिड़े, अपने क्षमता के अकॉर्डिंग, अपने टैलेंट के अकॉर्डिंग, जो जितना जा पाए, जहाँ पर जा पाए। अभी फिलहाल वीडियो को शेयर करें जितना हो पाए, ठीक है। और कल आता हूँ, लाइव मिलते हैं, अभी इमरजेंसी लाइव आना पड़ गया रात को 3 बजे, क्योंकि फ़ोन ही इतना बजे जा रहा था, बच्चे इतने परेशान हैं, बच्चे बहुत ज़्यादा परेशान हैं, और नहीं देखा जाता यार हम लोगों से, नहीं देखा जाता। और जो वो फ़ोन कर करके बोलते हैं, वैसे तो मैं रिसीव नहीं कर पाता कॉल, क्योंकि अभी ऑलरेडी मैं डिस्टर्ब चल रहा हूँ अपनी फैमिली के कुछ इश्यूज़ को लेकर। वो लोग मतलब इश्यूज़ इन द सेंस, घर पर भी तबीयत ख़राब है कुछ लोगों की, कुछ लोग क्या माता पिता की तबीयत ख़राब है। तो मैं हूँ थोड़ा सा परेशान अभी चीज़ों को लेकर, बट आप लोगों के लिए आते रहेंगे, जितना हो पाएगा करेंगे। कल आते हैं और सारे टीचर कुछ ना कुछ आश्वासन देंगे, कल सारे लोग आ जाएंगे, इसका 100% गारंटी है, आपके लिए आएंगे, ठीक है। और जल्दी जल्दी कुछ ना कुछ अच्छा करेंगे, जो देख के अच्छा लगे यार आपको, बहुत अभी तो मूड खराब है, ठीक है। चलो मिलते हैं कल फिर सुबह, और तब तक के लिए क्या बोलो, मतलब क्या पढ़ो यार, मतलब ठीक है, वीडियो शेयर करो, पढ़ाई वढ़ाई करते हैं शुरू इन सब के साथ साथ। ऑल द बेस्ट, जय हिंद। 3:15 हो गए, कल सुबह मिलते हैं, ठीक है, बाय बाय।